हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ सीएम यादव और सीएम जी टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस टीवी के अंदर देखने वाले क्या होता है, इसको पूरा खोलेंगे, एक-एक पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या-क्या होता है। ये दोस्तों 15 साल पुरानी टीवी है, तो चलिए इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। वैसे आधा मैं इसको खोल चुका हूँ, इसके पूरे नट वगैरह निकाल लिया हूँ, डायरेक्ट खोल के दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 1 2 3 और 4 5 6 7 नट्स है, तो हमने पूरा इसको खोल लिया है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। तो इसको पहले उल्टा कर लिया हमने और इसको अब खोल लेते हैं। तो देखिए इतना बड़ा बॉक्स, सोचो कितनी बड़ी पहले हुआ करती थी। ये देखिए इतना बड़ा निकला। इसको साइड में रखते हैं, इसमें तो और कुछ है ही नहीं, और प्लग वगैरह था उसको हमने साइड में कर दिया है। इसको साइड में रख देते हैं, हमारे कोई काम का नहीं। इसको हम लोग लोहा टीना बेचेंगे, इसको रखते हैं साइड में। चलिए आपको बताते हैं मेन चीज इसमें क्या क्या है। इसमें दोस्तों ये दो स्पीकर है, एक ये रहा और एक उस साइड रहा, दो स्पीकर है। चलिए पहले स्पीकर को खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये रहा पहला स्पीकर, ये रहा देखो, ये देख सकते हैं आप पहला स्पीकर। इसमें अप्रैल 2010 का डेट डला हुआ है, मतलब अभी 2023 चल रहा, 13 साल हो गए इस टीवी को। ये शायद हमारे कुछ काम आ जाए तो इसको हम लोग साइड में निकाल के रख लेंगे। चलिए अभी दूसरा स्पीकर खोल लेते हैं जल्दी से, बहुत टाइट है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला स्पीकर भी खुल चुका है, दोनों स्पीकर इधर से निकाल देते हैं। तो पहले इसको निकाल देते हैं, ये देखिए इसमें पूरा वायरिंग, पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। चलो इसको पूरा पहले इसका जितना भी वायरिंग है उसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों निकल तो रहा नहीं लगता, काटना ही पड़ेगा। वैसे मेरी टीवी सही हालात में थी, लेकिन उपयोग नहीं होने के कारण इसको मैं पूरा खोल डाला हूँ, पूरा चलने की कंडीशन में थी। तो इसको इधर से दो नट्स दिया, उसको पहले खोल लेते हैं। तो जो पीछे का था इसको हमने निकाल दिया, इसको भी इधर इसको ऊपर रख देते हैं, इसको कबाड़ी में बेचेंगे हम। तो देखो पहले इसका पूरा समझ लेते हैं। ये जो इसको ना कैथोड ट्यूब बोलते हैं, पूरा कांच का बना हुआ, देखिए पूरा आवाज सुन सकते हैं। इसमें जो इसको ना कैथोड रेज ट्यूब बोलते हैं, सीआरटी बोलते हैं इसको, कैथोड रे ट्यूब। तो इसी से जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वही हमको चित्र के रूप में प्रदर्शित होता है। तो इसको भी पहले हम लोग खोल लेते हैं अलग। पर आपको दोनों स्पीकर हमने दिखा दिए, देखो चल पहले स्पीकर इसको अलग कर लेते हैं। दोनों स्पीकर मेरे हिसाब से काम के हैं, चलते होंगे। तो इसको तोड़ देते हैं, पहला निकला, दूसरा। ये दोस्तों दो स्पीकर लोग हम लोग साइड में रख देते हैं, हमारे काम आएंगे। ये रहा, अब इसका इसको ट्यूब को बाहर निकालते हैं। तो इधर खोल लेते हैं, ये तो हाथ से नहीं खोलने वाला। दोस्तों ये रहा, हमने पूरा पीसीबी मशीन पूरा खोल लिया है। इसमें देख सकते हैं अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये देखिए बड़ा वाला है, छोटे वाले हैं। और ये इसमें कुछ लगा हुआ था तो इसको निकाला मैंने। और चलो अब इस तरह ये कोई काम पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियर तो हम है नहीं। तो इसको रखते हैं साइड में, इसको भी कबाड़ी में बेचेंगे। पूरा जो ग्लास ट्यूब का था खोल लिया, चलिए अब इसको उठाते हैं। बहुत ही सावधानी से उठाना पड़ेगा क्योंकि पूरा कांच का बना हुआ है, थोड़ा सा भी हम लोग असावधानी बरतेंगे तो ये टूट सकता है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा सुनने को पड़ेगा मम्मी का। ये देखिए
ये देखो दोस्तों पूरा अलग हो चुका है। ये एक और इसका डिब्बा वाला भाग, ये रही टीवी, देख सकते हैं ये भी पूरा प्लास्टिक है, तो इसको भी रखते हैं लोअर टीना के साइड में और आपको मेन जो ट्यूब है उसको दिखाते हैं। तो दोस्तों टीवी के इतने टुकड़े करके हमने देखे हैं, देखो पूरा प्लास्टिक है, मेन चीज इसी का ऐसे पूरा पिक्चर हमको शो होती है। देखिए इतना स्क्रीन है इसका, अब पूरा डब्बा ही रह गया है और कुछ उसका काम नहीं है। तो दोस्तों ये पूरी स्क्रीन है इसीलिए हमको पूरा दिखाई देता है, ये पूरा कांच की बनी हुई है और आप देख लीजिए पूरा इसमें जो ये रहता है ना, ये ग्लास का है, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और इधर रिफ्लेक्ट होते हैं और इसमें पूरा स्क्रीन में शो होते हैं, बस यही है। और इस टीवी के अंदर कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए। दोस्तों चलिए अब इस टीवी को गिराते हैं, 1 2 3 गिरा दो। ये दोस्तों पूरा टीवी हमने गिरा दिया है, इसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। चलिए इसको पास से जाके देखते हैं, हमने क्लॉथ बिछा दिया था इसको ताकि कांच के टुकड़े इधर उधर ना हो जाएं। देखिए इसको पास से देखते हैं, देखिए दोस्तों पास से देखने पे छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, जो पूरी पिक्चर ट्यूब थी टूट चुकी है और ये फ्रेम देख रहे हैं आप, लोहे का पूरा निकल के आया है और ये पूरा टूट चुका है। इसी से पूरा इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह आपको पहले बताया था होता है, और इसके अंदर जो सिल्वर की पॉलिश है, देखिए आप पीछे में सिल्वर की पॉलिश जैसे मिरर्स में रहती है ना दोस्तों, उसी टाइप की इसमें पॉलिश है जिससे पूरा रिफ्लेक्ट होके हमको दिखाई देता है। तो दोस्तों हमने आपको पूरा दिखा दिया कि टीवी के अंदर क्या क्या होता है, उसको पूरा तोड़ के दिखा दिया, पिक्चर ट्यूब को पूरा तोड़ के दिखा दिया, आपने पूरा देख लिया कैसा इसके अंदर होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो के लिए कर दीजिए एक लाइक। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।